आज जब हम अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा वक्त ऑनलाइन बिताते हैं, हमारी वास्तविक जिंदगी के समानांतर खड़ी हो रही है एक वर्चुअल दुनिया। लाइक्स, कमेंट्स, फॉलोवर्स और हैशटैग की ये दुनिया जहां लोग हंसते हैं, तारीफ करते हैं, सीखते हैं, आंदोलन करते हैं। ये दुनिया जहां हर तरह की संवेदनाएं हैं, मुद्दों पर लड़ाई है, पर इसी दुनिया के विश्वास को औजार बनाकर होते हैं हजारों तरह के जघन्य अपराध। इन्हीं कुछ विषयों पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से रूट 64 फाउंडेशन द्वारा औरैया जिले में गेल, एनटीपीसी, औरैया पुलिस और यूनिसेफ के सहयोग से एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। रूट 64 फाउंडेशन एक समाज सेवी संस्था है जो साइबर अपराधों के प्रति बच्चों और युवाओं में जागरूकता फैलाने का काम करती है। इस आयोजन में यूपी पुलिस, एनटीपीसी, यूनिसेफ और गेल के आला अधिकारियों सहित जिले के करीब 75 स्कूलों के 750 बच्चों ने भाग लिया। सम्मेलन की शुरुआत श्री श्रीकांत मिश्रा, जिलाधिकारी औरैया, प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह, आईपीएस, एसपी औरैया और अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। अतिथियों का स्वागत करते हुए श्री अमित दुबे, चीफ मेंटर रूट 64 फाउंडेशन ने कहा कि बढ़ते डिजिटलाइजेशन के साथ देश में साइबर अपराध भी तेजी के साथ बढ़ रहा है और इन अपराधों में बच्चों के साथ हो रहे अपराध प्रमुख है। रूट 64 की स्थापना इस उद्देश्य से की गई कि हम साइबर क्राइम से रिलेटेड अवेयरनेस बच्चों को, युवाओं को और विमेन एंड चिल्ड्रन से के अलावा जितना इंडस्ट्रियल सेगमेंट से सबको दे सके। बच्चे न सिर्फ साइबर स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग, साइबर हैरेसमेंट का शिकार हो रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया और मोबाइल गेम्स की आड़ में कुछ लोग खतरनाक अपराधों को भी अंजाम दे रहे हैं, जिसमें सेक्सटॉर्शन और ऑनलाइन ग्रूमिंग प्रमुख है। ऑनलाइन वर्ल्ड की दुनिया में हो रहे क्राइम से लड़ने के लिए न सिर्फ पुलिस को सशक्त होना होगा, बल्कि लोगों को भी जागरूक होना जरूरी है। इसी उद्देश्य से रूट 64 फाउंडेशन ने औरैया जिले के सभी पुलिस ऑफिसर्स का एक ऑनलाइन टेस्ट लिया, जिसमें उनकी साइबर क्राइम और संबंधित कानूनों के बारे में जानकारी का अवलोकन किया गया। हम पुलिस के लिए भी बहुत काम करते हैं। हमने भी एक पायलट टेस्ट किया था पुलिस के लिए पूरे औरैया डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें हम ये टेस्ट करना चाहते थे कि बेसिक लेवल साइबर अवेयरनेस कैपेबिलिटीज कितनी है पुलिस के पास, और हम उसमें से कुछ सिलेक्टेड लोग आइडेंटिफाई कर सकें जिनको हम एडवांस लेवल की ट्रेनिंग दे सकें। एक ही दिन में एक ही साथ 750 लोगों ने इस टेस्ट को दिया, एक मोबाइल ऐप के थ्रू, एक वेब एप्लीकेशन के थ्रू, और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई वो वाकई बहुत जबरदस्त इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि बहुत अच्छे से लोगों ने टेस्ट दिया, बहुत अच्छे नंबर से लोगों ने पास भी किया। इस प्रक्रिया के दूसरे पड़ाव में एक टेस्ट सभी स्कूली बच्चों का भी लिया गया। ये टेस्ट बच्चों का CQ टेस्ट करने के लिए था। ये टेस्ट रूट 64 मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा कभी भी कहीं से भी दिया जा सकता है। बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। औरैया में याद किया जाएगा, उस यादगार के अगर रूप में देखा जाए तो हमारे साइबर के एक्सपर्ट हैं एसपी साहब प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह जी। हम लोगों का ये सौभाग्य है कि हमें ऐसे जो है पुलिस अधिकारी मिले हैं जो क्राइम है उसको कैसे हम लोग कंट्रोल करें और कैसे लोगों को एजुकेट किया जाए, कैसे लोगों में अवेयरनेस बढ़ाया जाए। बच्चों को संरक्षित रखना हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है और उसके लिए शासन और सरकार द्वारा जो भी योजनाएं लॉन्च की गई हैं उनको हम कैसे बच्चों को जो है संरक्षित रखें, इसके लिए जरूरी है कि हम सभी लोग बच्चों को जब तक संरक्षित नहीं करेंगे तब तक हम जो है अपना जो भावी भविष्य है देश का उसको हम संरक्षित नहीं कर पाएंगे। हमारे पास बहुत से ऐसे केसेज आए जिसमें बच्चे बच्चियां रोते हुए मेरे ऑफिस में आते थे
कि सर हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारा मेल कॉम्प्रोमाइज हो गया, साहब देखिए मेरा सिस्टम हैक हो गया, हम वोटिंग ही नहीं कर पा रहे, साहब मेरा लिंक्डइन कॉम्प्रोमाइज हो गया, ये देखिए मेरे फेसबुक पे हमको जानकारी नहीं, फेसबुक से गलत गलत मैसेज सबको जा रहे हैं, हमारी फ्रेंड सर्कल पता नहीं कैसे किसी को पता चल गया, सबको गलत गलत मेल जा रहे हैं, साहब ये देखिए हमने ओटीपी दिया, हमारा पूरा का पूरा अकाउंट खाली हो गया। ये खतरे हैं, खतरे ये हैं जो बाहर की दुनिया के जो फिजिकल वर्ल्ड है उसमें जो थ्रेट्स हैं आपको, ऑनलाइन थ्रेट्स मेरा ये मानना है कि अब ज्यादा हो गया है। हम पुलिस पूरी ये कोशिश कर रहे हैं कि जो क्रिमिनल्स है वो टेक्निकली ज्यादा एडवांस है, उसका दिमाग क्राइम में लगा हुआ है, हम रिएक्टिव मोड में रहते हैं, जब भी कोई क्राइम होता है फिर हम ट्रैक की कोशिश करते हैं। क्रिमिनल ऐसा नहीं सोचता, क्रिमिनल ये सोचता है कि पुलिस की क्या एक्सपर्टीज है उससे आगे हमको सोचना है, और अगर उसको पता चल गया कि हम किसी मोबाइल फोन से ट्रैक कर लेते हैं उसको, तो मोबाइल फोन यूज नहीं करता। अगर उसको जिस दिन पता चल जाता है कि हम उसको ईमेल से ट्रैक कर लेते हैं तो फिर ईमेल यूज नहीं करेगा, वो उस टेक्नोलॉजी की बात करता है जिसको हम, जो हमारी एक्सपर्टीज नहीं है। इन्हीं सब चीजों को बताने के लिए हम इतने बड़े एक्सपर्ट्स को बुलाए हैं। मैं आपको बता दूं हमारे रक्षित टंडन जी हैं, ये आज तक 27 लाख बच्चों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। हमारे अमित जी हैं, इनका बैकग्राउंड ये है कि ये IIT खड़गपुर से हैं, ये टेक महिंद्रा के CTO हैं, और रूट 64 इनका पैशन है, एक NGO है जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पे काम करती है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड है, साइबर क्राइम, साइबर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, ढेर सारी ऑनलाइन चीजें वो रिलेटेड है, उस पर ये NGO की तरह काम करते हैं, इनका पैशन है, इनका कोई पैसा कमाना और इस तरह का कोई मोटिव नहीं है। इस अवसर पर देश के जाने माने साइबर विशेषज्ञ श्री रक्षित टंडन ने बच्चों को विभिन्न तरह के साइबर अपराधों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैसे PUBG मोबाइल गेम्स बच्चों में मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभावों का कारण है, और ऑनलाइन एक्टिविटीज करते समय बच्चों को अपनी निजता का हमेशा ध्यान रखना चाहिए और ऐसा कुछ भी शेयर नहीं करना चाहिए जो बाद में उनके लिए शर्म का कारण बने। ये सब जीरो टॉलरेंस रखते हैं बच्चों की गलती तस्वीरों के लिए, तो वहां पे एक बटन होता है इंग्लिश में रिपोर्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, उसका इस्तेमाल करिए, फॉरन रिपोर्ट करिए। और तीसरा 1090 जिसके बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा, यूपी पुलिस की बहुत बढ़िया बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए अस्त्र है। बच्चों हमें डरना नहीं चाहिए पहली बात, और ऐसी बेवकूफी एक शब्द बोल रहा हूं इसका मतलब समझने की कोशिश करना, इसे कहते हैं डिजिटल फुटप्रिंट। क्या बोलते हैं, हमारा जो इतना सारा डेटा क्रिएट कर रहे हैं ये सब कहीं ना कहीं सेव हो रहा है, हाँ या ना, फेसबुक पे, हाँ गूगल पर हम थोड़ा दिखता है, तुम लोग थोड़ा बहुत अखबार पढ़ते हो बच्चों तो तुमने ये भी पढ़ा होगा कि फेसबुक का डेटा हैक हो गया। अब सुनो मेरी बात, और ये लाइव एग्जाम्पल है, 12वीं कक्षा का एक बच्चा पार्टी मनाने जाता है, हाँ अपनी उल्टी सीधी फोटो खींचता है मौज मस्ती वाली, उसमें कुछ तस्वीरें अजीब सी भी होती हैं, कुछ गलत भी होती हैं, और वो अपनी उस बचपने वाली मस्ती में फेसबुक पे डाल देता है। 12th के बाद उसे बहुत बड़ा कॉलेज मिलता है, वो अमेरिका पढ़ने चला जाता है, 3 साल वहां पढ़ाई करता है, उसके बाद 4th साल में उसे उसी कॉलेज की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी मिलती है। कौन सी, 10वीं और 12वीं में बच्चा बच्चा होता है, और अब क्या बन गया वो वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी का, पहले दिन क्लास में जाता है। और आपको बच्चों बताइए कि आजकल हमारी सारी क्लासेस डिजिटल होती हैं, क्या होती हैं, अब वो जमाने गए ब्लैक बोर्ड और चौक वाले, अब तो स्क्रीन और प्रोजेक्टर है, अब लैपटॉप से लगाओ क्लास ले लो। ये टीचर बेचारी अपने प्रॉपर सूट वूट पे एंटर हो रही है, लेडी है, और वहां वेलकम लिखा हुआ है ऐसे, और कोने में उसकी वो 12वीं कक्षा की अजीब सी फोटो लगी है, नहीं समझ में आया, जिसमें दारू की बोतलें दिख रही हैं, अजीब से फटे हुए कपड़े हैं, अजीब से लोग हैं जिनके पास कपड़े ही नहीं है बेचारों के, और वो पार्टी वाले मूड की फोटो, आप सोचो उस प्रोफेसर का क्या होगा, अच्छा लगेगा, मेरे बच्चों तुम्हारे डिजिटल फुटप्रिंट्स मिटते नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता खुशबू जैन ने बच्चों को भारतीय IT एक्ट और अन्य प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन अपराधों के लिए किस हद तक सजा हो सकती है और कैसे पुलिस की मदद ली जा सकती है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री आलोक सिंह IG जोन ने इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि विश्व स्तर पर इस समस्या के बारे में जहां अनेकों प्रयास हो रहे हैं, भारत में भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, और औरैया जिले में
इस तरह का आयोजन होना इस बात का सबूत है कि हम इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हैं। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एसपी प्रोफेसर त्रिवेदी सिंह के इस कदम की सराहना करते हुए यूपी पुलिस द्वारा शुरू किए गए स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोग्राम 1090 वुमेन पुलिस हेल्पलाइन और डिजिटल वॉलंटियर के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी और बच्चों को प्रेरित किया कि वो पुलिस के साथ मिलकर देश को इन मुद्दों से लड़ने के लिए सशक्त करें। आपके पार्टिसिपेशन को देख के ये लग रहा है कि बहुत उत्साह है आप में साइबर सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में जानने के लिए, लेकिन ये उत्साह का जो आज पहला कदम आपने लिया है, ये कदम अब आगे रुके ना, ये निरंतर आगे बढ़ता रहे और जो ज्ञान आपने यहाँ अर्जित किया है उसका प्रचार प्रसार आप अपने मित्रों के बीच में, अपने इष्ट मित्रों के बीच में, आपका जो सर्किल है उसमें इसका अवश्य करते रहे। आई एम कॉन्फिडेंट कि आप जो यहाँ से आज सीख कर जा रहे हैं उसके प्रचार प्रसार से ना केवल आप अपने आप को बल्कि अपने आसपास की सोसाइटी को भी सुरक्षित रख सकेंगे। मे गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस अवसर पर सीक्यू टेस्ट के टॉप 5 विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर पुलिस द्वारा चलाए गए मुस्कान अभियान में जो बच्चे उनके माँ बाप से मिलाए गए उनको भी सम्मानित किया गया। अंत में रूट 64 द्वारा सभी अतिथियों और बच्चों का आभार व्यक्त किया गया।